Hello, welcome or welcome back to my channel. If you are seeing this face for the first time, myself Ankita, I make videos related to makeup, skincare and product reviews. और मेरा आज का वीडियो है ये कप्स एंड लेसेस ब्रशेस को लेके, और ये ब्रशेस निधि कटियार मैम के ब्रांड का है. एज आप लोग सब लोगों को पता है कि निधि कटियार एक यूट्यूबर है जिनका खुद का ब्रांड भी है कप्स एंड लेसेस, और ये सब ब्रशेस उनकी ब्रांड के हैं. मेरे पास ये 4 आई ब्रशेस और 4 फेस ब्रशेस हैं. मैं इन सब ब्रशेस के डिटेल रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. अगर आप लोगों के इस ब्रशेस के रिव्यू में इंटरेस्ट है और आप जानना चाहते हो ये ब्रशेस कैसे हैं और आप इसको खरीद सकती हो कि नहीं, एंड प्लीज़ सी द कम्प्लीट वीडियो. मैं ये साथ में ये बता देती हूँ कि ये ब्रशेस बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस के ब्रशेस है. तो अगर आप अफोर्डेबल प्राइस में ये ब्रशेस कैसे है ये जानना चाहते हो, इन ब्रशेस का डिटेल रिव्यू देखना चाहते हो, देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग. हाई, लेट्स बिगिन. मैं एक एक करके इन सब कप्स एंड लेसेस ब्रशेस का आप लोगों के साथ रिव्यू करूँगी और बताऊँगी कौन से ब्रशेस कैसे हैं. उससे पहले मैं अपना स्किन केयर कर लेती हूँ, बिकॉज स्किन केयर दिखाना इज़ यूजलेस एज बिकॉज यहाँ पे कोई भी स्किन केयर ब्रश नहीं है. मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, मैं स्किन केयर करके फिर रिटर्न आती हूँ. एंड या माई स्किन केयर इज़ डन. अब मैं आगे बढ़ूँगी और प्राइमर अप्लाई कर लूँगी. मैं आप लोग इस फाउंडेशन ब्रश से प्राइमर अप्लाई करके दिखाऊंगी. आप लोग चाहो तो हैंड से भी अप्लाई कर सकते हो या फाउंडेशन ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हो. या इज डन. एज ब्रश से अप्लाई करने से हाइजीन मेंटेन रहता है, बस इतना ही डिफरेंस है और कुछ डिफरेंस नहीं. देन बारी आती है फाउंडेशन की, और फाउंडेशन के लिए मैं आज ये मिस क्लेयर का फाउंडेशन यूज़ करूँगी. एज कोई भी ब्रश से ईजिली तो लिक्विड फाउंडेशन ब्लेंड हो जाएगा, पर ऐसे क्रीम फाउंडेशन ब्लेंड होने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है. इसको इसे ब्लेंड करके दिखाऊंगी कि ये अच्छे तरीके से ब्लेंड होता है कि नहीं, तो आप समझ जाओगे ये ब्रश कैसा है. मैंने डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस पे वो फाउंडेशन अप्लाई कर लिया. फिर मैं आप लोगों को इस ब्रश से ब्लेंड करके दिखाऊंगी ये कैसे ब्लेंड होता है. ये ब्रशेस बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, आपको फेस पे थोड़ा भी चुभेगा नहीं, और हम लोगों को फाउंडेशन ड्रैग करना नहीं होता है, डैब डैब करके अप्लाई करना होता है, नहीं तो वो फाउंडेशन प्लेस से मूव हो जाएगा. वो कोई भी फाउंडेशन हो, कोई भी अच्छा सा ब्रश हो, पर आप लोगों का फेस केकी हो जाएगा. एंड यह आप लोग देख सकते हैं इसने कितने अच्छे तरीके से फाउंडेशन को ब्लेंड कर लिया है. मुझे फाउंडेशन ब्रश बहुत पसंद है. आप लोग मेरे अगर पहले वीडियो को देखे हो तो आप लोग देखोगे मैं काफ़ी हद तक इसी ब्रश को यूज़ करती हूँ. मेरे लिए ब्रश बहुत अच्छा है. ये सिंथेटिक फाइबर ब्रिसल्स हैं, ये बहुत ही सॉफ्ट ब्रश है. फेदर लाइक फील देता है कि बहुत सॉफ्ट है. एंड या एंड दिस इज द बेस्ट फाउंडेशन ब्रश आई हैव यूज्ड टिल डेट. फिर आती है हमारी कंसीलर की. मैं आज इस स्विस ब्यूटी के कंसीलर को अप्लाई करने वाली हूँ. एज मैं इनर और आउटर वी में ही अप्लाई करती हूँ कंसीलर, तो मैं वही करूँगी आज भी अपने नोज पे, थोड़ा फॉरहेड, अराउंड माय माउथ एंड नोज के अराउंड, और यहाँ या देन मैं इसी कप्सल से कंसीलर ब्रश से इसको ब्लेंड करूँगी. ये ब्रश भी बहुत अच्छा है, बहुत छोटू सा है, आप प्रिसाइसली आपके आँखों के किसी भी कोने में चला जाएगा और अच्छी तरीके से कोई भी फाउंडेशन हो कंसीलर हो ब्लेंड कर देगा. आप लोग देख सकते हो ये आपके आईज़ के इनर कॉर्नर तक भी चला जाता है. ये ब्रश वही फाउंडेशन ब्रश की तरह बहुत सॉफ्ट है, बहुत अच्छा है. एंड या इट्स ब्लेंडेड. आप लोग देख सकते हो पूरी अच्छी तरीके से ब्लेंड हो गया है और बहुत स्मूथ फिनिश आया है मेरे पूरे फेस पे. ये कंसीलर ब्रश बहुत परफेक्ट. अगर आप कलर करेक्ट भी करना चाहते हो तो इसको डायरेक्टली अपने करेक्टर को इसे लेके जहाँ आप कलर करेक्ट करना चाहते हो, आपका एक्ने स्पॉट्स हो या डार्क सर्कल्स हो, वहाँ डायरेक्टली पुट कर सकते हो. और कोई भी ब्लेंडर हो या इससे भी ब्लेंड कर सकते हो. ये
कंसीलर ब्रश तो बहुत अच्छा है, मस्ट नीड है एवरीबॉडी के लिए, बिकॉज ये बहुत ही छोटू से हेड के साथ आता है, ऐसी वी टाइप हेड के साथ आता है, वो फाउंडेशन जैसे एंगल में आता है ना, वो यहाँ पे मीन्स ट्रायंगुलर शेप, वही सेम ट्रायंगुलर शेप में ये कंसीलर ब्रश भी आता है। डिफरेंस यही है कि ये बड़ा है और ये छोटा है। देन आते बारी है हम लोगों की कॉम्पैक्ट की, और उसके लिए मैं इसी ब्लू हेवन का कॉम्पैक्ट को आज यूज़ करूँगी, और कप्स एंड लैशेस के ये F14 ब्रश से अपने पूरे फेस को सेट करूँगी। और सॉरी मैं पहले के दोनों ब्रशेस के नंबर आपको बोलना भूल गई थी, ये फाउंडेशन ब्रश का नंबर है F13 और ये कंसीलर ब्रश का नंबर है F11। चलिए पूरे फेस को इस ब्रश से सेट कर लेते हैं। लाइट हैंडेडली आप इसको पिक कीजिए, देन डैब डैब करके अप्लाई कर लीजिए। देखिए एक ही स्ट्रोक में कितना अच्छा कवरेज दिया है और फिनिश आया इस ब्रश से। आप लोग को जितना ही चाहिए उतना ही पिकअप होता है, कुछ एक्सेस पिकअप भी नहीं होता और वेस्टेज भी नहीं होता, और इसके ब्रशेस भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं। एंड या मैंने अपने पूरे फेस को सेट भी कर लिया। चलिए मूव ऑन करते हैं आईब्रोज की तरफ। मैं ज़्यादातर अपना आई मेकअप पहले करती हूँ फिर अपने बेस पे आती हूँ, पर आज एज मेरा आई मेकअप उतना हैवी नहीं है, तो मैंने आज पहले अपना बेस कर लिया है, मैं फिर अपने आईब्रोज पे जा रही हूँ। तो चलिए अपने आईब्रोज पे मूव ऑन। और अपने आईब्रोज के लिए मैं आज यूज़ करने वाली हूँ ये E002 ब्रश। ये एंगुलर आईब्रो ब्रश है, एक साइड में स्पूली भी है, एक साइड में स्पूली दिया गया है ताकि आप लोगों को दूसरे स्पूली की ज़रूरत ना पड़े। मुझे ये ब्रश बहुत पसंद है, ये प्रिसाइसली आप पाउडर या ब्राउ प्रोमेट जो भी यूज़ करते हैं उसका पिकअप करता है, आपका आईब्रोज अच्छी तरीके से इससे फिल हो जाते हैं। चलिए आप लोगों को फिल करके दिखाती हूँ। मैं आज इसके लिए यूज़ करने वाली हूँ ये मेरा स्विस ब्यूटी का आई शेडो पैलेट। या माई वन आईब्रो इज डन। आप लोग देख सकते हो इस ब्रश ने कितनी अच्छी तरीके से ब्राउज को फिल कर लिया है। या मैंने सेम अपने दूसरे आईब्रोज पे यूज कर लिया है। देन आती है बारी आई शेडो की। एज मैंने अपना आई शेडो बस पहले से सेट कर लिया है, मैं आज ब्राउन से कुछ करने वाली हूँ, हैवी कुछ नहीं करने वाली, सिर्फ लाइट एक ब्राउन कलर से कुछ करने वाली हूँ। और उसके लिए मैं ये कप्स एंड लैशेस का E005 ये फ्लफी शार्प ब्लेंडिंग ब्रश ले रही हूँ, और ये लाइट ब्राउन, एकदम लाइट, ये लाइट ब्राउन शेड लेके अपने ट्रांजिशन पे अप्लाई करूँगी पहले। देन मैं ये एल्फ के पैलेट से ये एकदम लाइट ब्राउन शेड लेके इसको ब्लेंड करूँगी। देन मैं लेने वाली हूँ ये छोटा सा ब्लेंडिंग ब्रश, और इसका नंबर है E008। इसको लेके मैं वो एल्फ पहले से ये वाला ब्राउन शेड लेके अपने पूरे लिड पे अप्लाई करूँगी। सारे के सारे ब्रशेस बहुत अच्छे हैं और बहुत सॉफ्ट हैं। एंड मैं आप लोगों को सारे ब्रशेस के प्राइस स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, और साथ में इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगी। ये ब्रशेस मैंने तो कप्स एंड लैशेस से ही खरीदा था, निधि कटियार के जो खुद का वेबसाइट है वहाँ से ही, सॉरी वेबसाइट और ऐप जो भी कैसे, उनका वेबसाइट भी है और ऐप भी है, मैंने ऐप से ख़रीदा था। आप चाहो तो ये ब्रशेस फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन भी मिलते हैं, आप वहाँ से भी ख़रीद सकते हो। मुझे जिस जिस जगह का लिंक मिलेगा मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूँगी, अगर आप ख़रीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लीजिएगा। या
अप्लाई कर लिया है। आज मैं लेने वाली हूँ SFR का ये ब्रॉन्जी सा काजल। मैं इसको अपने लैश लाइन के करीब अप्लाई करने वाली हूँ। मैंने अप्लाई कर दिया। मैं इस E003 ब्रश से इसको थोड़ा स्मच करूँगी बिकॉज मुझे स्मच इट आउट लुक चाहिए। इससे आप इजीली अपना कोई शिमर लगाना हो या लोअर लैश लाइन को स्मच करना हो वो भी कर सकते हो। एंड या इट्स डन। देन आती है बारी कॉन्टोर की, और कॉन्टोरिंग के लिए मैं आज यूज़ करने वाली हूँ यही कलर स्विस ब्यूटी कैशियर पैलेट से। और यह है कप्स एंड लैशेज़ का कॉन्टोरिंग ब्रश F012। यहाँ से थोड़ा फ्लैट है और ब्रशेज जो है फ्लैट होने के बाद ऐसे फ्लफी हो गए इसी एंगल में, वो फ्लैट एंगल में ही है। और ये भी ऐसे कर्व शेप का है और इसके ब्रशेज भी बहुत सॉफ्ट हैं। मैं थोड़ा सा ही लूँगी। एंड यहाँ मैंने कॉन्टोरिंग भी कर ली है। ये कॉन्टोर ब्रश भी बहुत अच्छा है। उन लोगों के दूसरे भी कॉन्टोर पाउडर एंड देन कंसीलर फाउंडेशन ब्रश आते हैं, पर मेरे पास ये यही वाला शेड है। ये उन लोगों का फर्स्ट लॉन्च है जो उन्होंने फर्स्ट मैन्युफैक्चर किया था। फिर उन्होंने बहुत सारे वेरिएशंस निकाले थे, पर मेरे पास यही है। एंड देन आती है बारी ब्लश और हाइलाइटर की। मेरे पास ब्लश और हाइलाइटर के लिए कोई भी ब्रश नहीं है, पर मैं यूज़ करने वाली हूँ वही पाउडर ब्रश का एज ए ब्लश ब्रश एंड हाइलाइटर ब्रश। चलिए दिखाती हूँ कैसे यूज़ करने वाली हूँ। ब्लश के लिए तो ब्लश ब्रश भी ऐसा ही होता है फ्लफी सा। थोड़ा सा ब्लश पिकअप करके अपने एपल्स ऑफ माय फेस पे अप्लाई करूँगी लाइट हैंडेडली बिकॉज ये ब्लश बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है। फिर आती है भारी हाइलाइटर की, और हाइलाइटर के लिए मैं अगर आप लोग के पास हाइलाइटर ब्रश नहीं है तो आप ऐसे कोई भी पाउडर या कॉन्टोर ब्रश को ऐसे स्लिम करके आप जो हाइलाइटर लगाना चाहते हो उसको पिक करके ऐसे अप्लाई कर सकते हो। देखिए कितने ब्यूटीफुली अप्लाई हो जाता है। फिर आप लोगों को लगेगा मैं अपने इनर कॉर्नर और ब्राउ बोन कैसे हाईलाइट करूं, उसके लिए भी मेरे पास आइडिया है। इसके लिए मैं लेने वाली हूँ ये एंगुलर ब्राउ ब्रश। इससे थोड़ा सा हाइलाइटर ब्रश पे लेके आप लोग देख सकते हो मैं ये कुछ ही ब्रशेस है कितने वर्सेटाइल तरीके से यूज़ कर रही हूँ। आप लोग भी चाहो तो थोड़े बहुत ब्रश खरीद के वर्सेटाइल तरीके से यूज़ कर सकते हो। अगर आप कोई प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट नहीं हो या आप लोगों को ज़्यादा मेकअप करना पसंद नहीं है तो क्यों ज़्यादा खरीद के आप लोग वेस्टेज करोगे। एंड या इट्स डन। मैं पूरा बल्ब की तरह चमक रही हूँ। और फिर आती है बारी मस्कारा सेटिंग स्पे लिपस्टिक में। मैं ये तीनों लगा के फिर वापस आती हूँ और इस वीडियो को एंड करती हूँ। एंड या इट्स डन। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये लुक के साथ एक छोटा सा बिंदी बहुत अच्छा जाएगा, इसलिए मैंने बिंदी भी ऐड कर लिया है। यू कैन सी द कम्प्लीट लुक। मैंने आप लोगों के साथ ये सारे ब्रशेज के रिव्यू शेयर कर लिए हैं। मेरे पास जो ये चार आई ब्रशेस हैं और चार फेस ब्रशेस हैं,
पाउडर ब्रश, कॉन्टोर ब्रश, फाउंडेशन एंड कंसीलर ब्रश, दो ब्लेंडिंग ब्रश, एक फ्लैट ब्रश और एक आईब्रो ब्रश। ऑल इन टोटल ये सारे ब्रशेज बहुत अच्छे हैं। आप लोग चाहो, अगर आप लोगों के ब्रशेज की नीड है तो आप लोग ज़रूर खरीदिए इसको, एक बार ट्राई कीजिए। निधि मैम के सारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। एंड विद दिस आई एम एंडिंग माई टूडेज वीडियो। अगर आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन नेक्स्ट टू सब्सक्राइब बटन। टिल देन बाय बाय, सी यू सून, लव यू ऑल।